पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने रेवाड़ी में बरसात के बाद जगह जगह हुए जल भराव को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री बनवारी लाल 5 वर्ष जन स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद जिले में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर कोई काम नहीं करवा पाए। इस काम पर अगर उन्होंने एक भी ईंट लगवाई हो तो जरूर बताएं। आज तक वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर जो भी काम हुआ इनके कार्यकाल में हुआ। उन्होंने कहा स्थानीय नेता काम नहीं करते हैं, ड्रामा। उन्होंने जातीय गणना को जायज ठहराते हुए कहा कि इससे गरीबों को उनका हक मिलेगा और जातीय गणना जरूर होनी चाहिए। कैप्टन गांव मीरपुर में निजी कंपनी द्वारा 20 लाख की लागत से लगाए जाने वाले आरओ सिस्टम की नींव रखने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। हमारे बलजीत हमारा चिरंजीव का दोस्त है और उनकी फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने जो है यहाँ पर 20 लाख की लागत से ये यहाँ पर आरओ लगेगा और इससे जो है जो पानी जो अंडरग्राउंड वाटर जो पानी क्योंकि खारी है यहाँ पर उसको मीठा करके और गांव के लोगों को पीने की पानी की कम से कम सहूलियत करेंगे। ये तो ये कि इसमें 20 लाख रुपये लगेंगे और अक्टूबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो इससे जो है एक जो वायदा किया था चिरंजीव ने चुनाव के दौरान जो वायदा किया था चिरंजीव ने कि हम आरओ प्लांट लगाएंगे वो हमने पूरा कर दिया। तो सर मीरपुर को ही क्यों चुना, और भी तो गांव होंगे ना? नहीं, ऐसा है कि बाकी जगह तो पानी पहुंच रहा है। मीरपुर ही एक ऐसा गांव है जहां पर पानी की जो है समस्या थी। बाकी गाँव में सब में पेयजल है, आपके जाटी है जाट है, मुझे आपको गांव बता दीजिए जहां पर ये समस्या होगी हम वहां भी लगवा देंगे। आपने अपने कार्यकाल में यहां यूनिवर्सिटी भी बनवाई? हाँ, यूनिवर्सिटी हमने बनवाई थी। देखो मेरा ये कहना है कि सरकार की जो नीयत है वो ठीक नहीं है। अभी ओबीसी के अंदर आपको मालूम है क्रिमिनल लगा रखा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब जो है कोई भी ओबीसी का साथी है उसमें कोई ये इस प्रकार का बात नहीं होगी। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि आप जातिगत आधार के ऊपर आप आरक्षण दे सकते हैं, उसमें ये नहीं आप क्रीमी लेयर लगा दें उसमें जो है 3,000 की वो लाख की लगा दें। दूसरा, आपका जो है 99% के पट्टे के ऊपर जो भूमि अधिग्रहण एक्ट राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी ने बनाया था, भूमि अधिग्रहण एक्ट, उसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं ये। उसमें इन्होंने कर दिया कि 99 साल के पट्टे के ऊपर किसी किसान की जमीन अक्वायर कर सकते हैं। तो फिर तो उसका भूमि अधिग्रहण का मामला ही क्या रहा? 99 साल मतलब ये है कि वो तो मालिकाना हक दे देंगे। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो पूंजीपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने का मकसद है, तो ये मामला है। कैप्टन साहब, मानसून 70 था अभी। हाँ, और गैस की किल्लत से मौत का मामला था रिवाड़ी का, 4 मौत हुई थी, आप भी अस्पताल में उस समय मौजूद थे। हाँ, अब सरकार कहती है कि गैस की किल्लत से कोई मौत नहीं हुई, कैसे इस बात को देखते? आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कई लोगों ने अपना 0 आवर में ज़्यादातर विधायकों ने मामला उठाया जी, चिरंजीव ने उठाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उठाया मामला, ये किरण चौधरी ने और जितने हमारे विधायकों ने मामला उठाया था कि मुख्यमंत्री को ये कहाँ से आंकड़े मिले। 5 मौत तो विराट हॉस्पिटल में हुई है मेरे सामने और खुद CMO को मैंने धमकाया वहाँ पर, तो उसके बारे में हाई लेवल जो है ये कोई पैनल एक बना रहे हैं, इंक्वायरी करेंगे और उसके बारे में हम चाहते हैं कि उनको जो है आर्थिक मदद दी जाए। और जो ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा एक कांड हुआ, अधिकारी अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। तो सर कहीं लगता है कि अधिकारी जो है वो जानबूझकर कोई गरीब आदमी से लेना देना नहीं है, सब कुछ का निजीकरण कर देंगे। अस्पताल तो निजीकरण कर ही दिए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं प्राइवेट स्कूल, LIC है, ऑर्डिनेंस है, एयरपोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, हैं तमाम LIC वगैरह है, जितने भी जो आप देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हथियार बनाती है उसका भी ये जो है निजीकरण कर रहे हैं। तो ये क्या चाह रहे हैं कि कुछ पूंजीपतियों 4-5 पूंजीपति हैं उनके हाथ में सारी ताकत लाना चाहते हैं। आप देखिए रेलवे की लाइन है किसने बनाई? सरकार ने बनाई। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है कि किसने बनाया? सरकार ने बनाया। अब क्या कह रहे हैं, इनको लीज पे दे रहे हैं। भाई लीज पे देना है क्या मतलब है, जब आपके पास अपना है उनसे आप उनसे पैसे लो। आप अगर गाड़ी वहाँ से निकलती है इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया है उसको प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों दे रहे हैं? इनको गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है। अभी वो ये गाँव में जो है प्रधानमंत्री
अनाज योजना है, उसमें 98 रुपए का तो उसमें सामान है और वो भी गला सड़ा है, कईयों में तो उसमें वो लग रही है। अभी कल परसों मुझे टीवी पे दिखा रहे थे, फफूंद लग रही है। उसका जो झोड़ा है वो इतना साफ सुथरा है, उस पर प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी है, खट्टर साहब की फ़ोटो भी है, दुष्यंत की फ़ोटो भी है। गाँव में तो घुस नहीं सकते गाँव के अंदर, लेकिन ये इनके द्वारा। विधायक जी ने अभी जो है सत्र में रिवाड़ी की जो पानी की निकासी है जल भराव कहा था कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम पूरा हो गया जी। तो भाई जो काम हुआ था वो मेरे समय हुआ था, जैसे मॉडल टाउन का है 2.5 घंटे में पानी निकल जाता है, नेशा जी के पास पानी निकल जाता है। असली काम था सर्कल रोड के ऊपर अपना वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाना। बनवारी लाल जो जवाब दे रहा था, 5 साल पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रहा है हरियाणा का, उसने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का काम नहीं करा पाया। जाओ वहाँ ठीक वहाँ दे नहीं रहे, कह रहे जी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज कंप्लीट कर दिया। अरे भाई जब तक सर्कल रोड के ऊपर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज नहीं निकलेगा, क्योंकि शहर ऊंचाई पे है, सारा पानी जो है सर्कल रोड पर आ जाता है, जब तक वो पानी नहीं निकलेगा। और ये कहते हैं कि 2.5 घंटे में सारा शहर खाली हुआ है, दो तीन दिन तक। आपको पता है शिव कॉलोनी है आपका, कंपनी बाग है आपके, जो है अजय नगर है, राम सिंहपुरा है, इंदिरा कॉलोनी है आपके, इधर कंपनी बाग है, सब जगह पानी भरा रहता है। कैप्टन साहब जाती है सहकारिता तो मंत्री जी कह रहे हैं कि कप्तान साहब ने ही काम नहीं किया। अरे भैया जो काम मैंने किए ना अब तक जी, वो काम तो गिनते नहीं है। यूनिवर्सिटी को नहीं गिनेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं गिनेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज को नहीं गिनेंगे, हैं आपके यहाँ जो है ITI को नहीं गिनेंगे, मिनी सेक्रेटरीट है, जुडिशियल कम्प्लेक्स है, कितने काम गिनाऊँ मैं, हर गांव में सड़कों से जोड़ दिया। और जितना भी ये जो आपने देखा होगा पिलर बॉक्स स्कीम हमने बढ़ा रखी है जी, ये जो आपका पूरा जितना भी आपका जो आउटर जो हमारा रेवाड़ी है उसका पिलर बॉक्स स्कीम बनाई थी, वो मैं लेके आया था अपनी ये शैलजा जी मंत्री थी। उसके बाद बनवारीलाल जी मुझे ये बता दें, एक ईंट इन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की लगाई हो, जो भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम किया मैंने किया। इन्होंने आने के बाद क्या किया, रणधीर सिंह 5 साल होकर चला गया, 2.5 साल अब ये निकल गए, काम कुछ करते नहीं है, ड्रामा ज़्यादा करते हैं ताकि पता लगे भाई कौन सी जी। अब कोई कहता है कि मैं 20% हूँ, कोई कहता 22% हूँ, पता लग जाएगा देश में। अभी नीतीश कुमार और 10 अन्य दलों के नेता भी मिले थे प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही मिले हैं। इसमें जातिगत अगर जनगणना हो जाती है उसके मुताबिक फिर उनको फ़ायदा दें, जिसकी ज़्यादा आबादी है और जो ज़्यादा गरीब है उनको ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए ना।